खबरों में बने रहने के लिए जैक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। अरवार के एक माह से गायब युवक ठाकेंद्र देवांगन की मिली लाश। ठाकेंद्र की गुमसुदगी को लेकर शहर वासियों ने भी जताया था पुलिस की कार्य प्रणाली पर आक्रोश। आरोपियों द्वारा जिले के एक पावर प्लांट के राखर डम परिसर में दफना दिया गया था युवक का शव। अरवार नगर पंचायत क्षेत्र के करीब एक माह से गायब 20 वर्षीय युवक ठाकेंद्र देवांगन की लाश 6 जून को जांजगीर चांपा जिले के डबरा विकास खंड के एक पावर प्लांट के राखर डम परिसर में मिला तथा पुलिस ने निशानदेही पर राखड़ वाले जगह पर पहुंचकर बड़े जेसीबी वाहन से उसे खिंचवाया तो वहां युवक ठाकेंद्र देवांगन की हत्या कर दफनाए गए शव मिला। एवं शव मिलने की खबर जैसे ही शहरवासियों एवं उनके परिवारजनों को लगी वैसे ही उनके परिवार में मातम छा गया तथा उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। सूत्रों की माने तो अड़भार से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उपरोक्त प्लांट स्थित है तथा पूरे मामले को लेकर जहां विगत एक माह से परिवारजनों द्वारा मामले पर पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न करने के आरोप लगाए जा रहे थे एवं विगत दिनों मोहल्ले की महिलाओं एवं उनके परिवारजनों द्वारा लॉकडाउन के बावजूद पुलिस चौकी अड़भार में धरना देकर अपना आक्रोश जाहिर किया गया था एवं जिले के राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने स्तर पर उपरोक्त मामले को लेकर कार्यवाही करने प्रयास किए थे तथा ठाकेंद्र देवांगन की गुमसुदगी ने ही अनेकों सवाल खड़े कर दिए थे तथा कोई इसकी गुमसुदगी को साजिश बता रहा था तो कोई कुछ और। इस तरह से ठाकेंद्र की गुमसुदगी दिनांक से ही तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। ज्ञात हो कि उपरोक्त युवक की पतासाजी में देरी होने पर उनके परिवारजनों ने सूचना देने वाले व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का इनाम दिए जाने की भी घोषणा की थी तथा उपरोक्त युवक 29 अप्रैल 2021 की रात्रि 12:30 बजे से अपने घर से बिना बताए गायब हो गया था एवं यह युवक अड़भार के देवांगन मोहल्ले में स्वर्गीय शिव दयाल देवांगन का सुपुत्र था। जेएक्स न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़।